नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबके लिए एक खुशखबरी है। अर्थात जेई मेन 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। जेई मेन्स 2020 के लिए 2 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आपको समझना है क्या, वो जस्ट मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होना है। तो जेई मेन 2020 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है जस्ट कहाँ पर जाकर, इसकी जो ऑथेंटिक साइट है वहाँ पर जाकर। और वो ऑथेंटिक साइट कौन सी है, जस्ट आपके सामने आ रही है, www.jee.nic.in पर जाना है। और वो 1 सितंबर से लिंक एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाकर, और आपने कितनी बार पहले भी किया होगा कि जस्ट यहाँ पर जो लिंक आ रहा है इसका, वहाँ पर जाना है और रजिस्ट्रेशन जस्ट करना है। साइड बार में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी और यहाँ पर पूरा सारा कुछ आप देख सकते हो अपना। और 2020 के लिए जो भी एक नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आई है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो यहाँ पर कहीं भी देखा जा सकता है। उसके बाद अगर आते हैं तो जो भी करंट इवेंट होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जो भी आएगा 1 सितंबर से वो सारा आपको इस डोमेन में देखने को मिल सकता है। और यहीं से आपको इस वेबसाइट पर पहुँचना है और पहुँचने के बाद फिर आपको सारा चीज़ देखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ओपन करता हूँ कि जेई जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर जो चीज़ समझनी है आपको वो ये समझना है अल्टीमेटली कि एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है और 1 जनवरी में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा सेशन जो होता है अप्रैल में होता है, यू नो देट। और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हो। ठीक है, जेई मेन्स 2020 के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पर चाहिए होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद रजिस्ट्रेशन लिंक को जस्ट ओपन करना है और फिर जेई मेन्स को सूचनाओं को फिल करना है। और फिल करने के बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो जस्ट आपको क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है और जेई मेन्स 2020 फॉर्म की एक प्रति अपने पास रख ले, क्योंकि आगे आने में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2020 एग्ज़ाम में जो अनुमान है वो लगभग 10 लाख स्टूडेंट के आसपास होने की संभावना है। क्यों है, क्योंकि अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें कि लास्ट ईयर से लगभग 9 लाख के आसपास आप देख सकते थे स्टूडेंट इसमें, और इस साल जो है वो आप 10 लाख के आसपास आप देखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उम्मीद है 10 लाख अभ्यर्थी को उपस्थित होने, क्योंकि पिछले साल की अगर अपन बात करें यानी 2019 की अगर अपन बात करें तो 9,29,198 के अप्रोक्सीमेशन में ये आइडिया जा रहा था। ठीक है, आंकड़ा जा रहा था, रजिस्ट्रेशन किया था। और ज्वाइंट एग्ज़ाम 2020 एग्ज़ाम में संबंधित जानकारी अभ्यर्थी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन अपडेट था। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टडी कैसे, ये अपना आगे आने वाले वीडियो में देखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो अगर आपको मिलते रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।